उसके बाद उसको ब्लीडिंग हुई है, उसके लिए जिसका हमने वी ट्राइड और बेस्ट, उसको साथ ही ब्लड भी लगाया हमने, डॉक्टर्स को कॉल किया, थिएटर में भी उसको ट्राई सब कुछ ट्राई किया हमने, लेकिन ब्लीड नहीं कंट्रोल हो रही, जिसको रेफर किया गया, साथ में ब्लड भी दिया गया, लेकिन रास्ते में पेशेंट की डेथ होगी और मेरे को बाद में पता लगा इसका। तो किस तरह की कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो लोग, क्या मांग कर रहे हैं वो लोग? मेरे पास अभी कोई नहीं आया, तो जैसे कि व्हाट्सएप पर मिला देखा मैंने, तो मैंने सिविल सर्जन को सारा इन्फॉर्म कर दिया, सारा मामला सिविल सर्जन को सारा बता दिया हुआ है, तो अभी शायद थोड़ी देर में डॉक्टर हंसराज आएंगे। तो जैसे आपके हॉस्पिटल आपके ऑफिस के बिल्कुल सामने उन्होंने धरना लगाया, वो बात करें कि 302 का पर्चा दर्ज करने की जो नर्स है जो, तो उसके खिलाफ, तो क्या किस तरह की कार्रवाई आप करना कर रहे हो? नहीं, हमने तो सिविल सर्जन को इन्फॉर्म कर दिया, वो आके देखेंगे भी क्या करना है। रमनदीप कौर नाम की लेडी इतने एडमिट हुई थी सिविल हॉस्पिटल, डिलीवरी होनी थी, 19 तरीक दाखिल हुई थी, डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग होगी, काफ़ी ब्लीडिंग काफ़ी होने करके वो रैफर कर दी गई फरीदकोट में, रस्ते चोरी मौत हो गई है। उस संबंध में अपना दाने वाली पिंड तो यह लोगों ने धरना लाया है, मैं तो SMO साहब मौके दिया उ विचार कर रहे हैं, SMO साहब न गल हुई है, वो सिविल सर्जन उन्होंने डिस्कस करके इनकुआरी मार्क हो गई है, इनकुआरी करके जिस तरह की रिपोर्ट होगी उस तरह की कार्रवाई कर दी जाएगी। असी उन्हों लैके आए, जो लैके आए उन्होंने कहा कि ये हजे दर्दा नहीं है, उन्होंने एडमिट कर लिया, इंजैक्शन लगा दिता, वो दर्दा ठंडिया पै गई। साढ़े नाल मेरी भैन आशा वर्कर नाल लैके आए, सानू दुर्व्यवहार किया, इनू बुरा चंगा बोले, तुसी एवें पर्स पा लैनिया नाल तुर पैनिया, तुसी ताडा की काम हैगा या पैसे खाण नू आउनिया तुसी, इदा इदा बोले। सारी रात उन्होंने रखिया, सवेरे छुट्टी वेले जो उन्हें इतने इंजैक्शन लगया होया सी, वह कहती आ मेरा ड्रिप तो कट दौ, तो वह कहती को जाके कढ़ा लाता, ये कोल भेजा गया भैन को, इन्होंने वो ड्रिप निकाल के फिर असी घर चले गए। उस तो बाद दो दिन बाद असी फिर वो दर्द शुरू हुई नाल रमनदीप के 19 दिन असी फिर उन्होंने इतने लैके आए हैं जी। जो लैके आए हैं सवेरे उन्होंने तकरीबन 2:30 बजे का टाइम से असी उन्होंने एडमिट इतने करवाया, तो उन्होंने कहा हजे टाइम लगेगा थोड़ा, जो तक टाइम लगेगा तुसी इनू तोरा फेरा कराओ, अंदर रखो, इनू कोई होर बोतल या इंजैक्शन नहीं दिता गया, बाद अंदर नहीं आन दिता है। 4 बजे इन्होंने फिर ऑपरेशन थिएटर च लै गए, इतों जच्चा बच्चा वार्ड चो उपर ऑपरेशन थिएटर च लै गए, उस उत्थे तो सानू किसी नू नहीं बढ़न दिता, जदों की बच्ची के निशान पिंडे ते नील पे हुए सी, इत्थे देख लो बाहां देख लो, इत्थे एक स्क्रू जिहा सी वह भी पता नहीं कहां तो लगाया होया सी, नट कसया होया सी, ऐ जिवें नट हुंदा आपां लगाउने आ किसे विच, सारे पिंडे दे उत्ते नील ही नील सी, डेथ हो गई। मरीज रब का रूप दिने, रब का दर्जा दिने, और इन्होंने ऐतवार को बच्ची एडमिट कराया, इतने पूरा दिन लंघ गया, दूजे दिन 11 बजे तक वो बच्चिया रिपोर्टा कराई, अल्ट्रासाउंड 6वें महीने 9वें महीने च स्पष्ट लिखा है भी ये बच्ची का ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन नहीं किया गया, डैन ने ऑपरेशन नहीं किया। जिन्ना चर संस्कार नहीं होया उन्ना चर उत गई नहीं, जो संस्कार हो गया इन्हें डॉक्टर ने फोन किया, डॉक्टर साहब संस्कार हो गया, हूँ मैं आनी हूँ, ये गल नहीं तुम पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया, गुर्दे कट लैन के तुम क्यों कमले हो, मैं थोड़ी कोई माड़ी राय नहीं दिंदगी, इस करके ना खराब करो, ये ना मिट्टी पलीत करो, तो यू
ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਬਣਨਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਜੀਆ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਗੀ ਜੀ, ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, 1000 ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਦਿਖਾਓ। ਬੇਟੀ ਕੀ ਦੇਖਣੀ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਜਾਇਆ 7 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਹ ਲਿਆਓ ਦਵਾਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜਾਈਏ ਉਧਰੋਂ 7 ਜਣੇ, ਸਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਲੇ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।